नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे ब्राह्मण समाज पर सभी विपक्षी दलों की नजर जमी हुई है। इन दलों द्वारा अब ब्राह्मण बिरादरी पर डोरे डालने के प्रयास तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तथा वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को ब्राह्मण समाज को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर रविवार को सहसवान विधानसभा के गांव रियोनाई में स्थित SS इंटर कॉलेज प्रांगण में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ होने पर सभी अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष विद्वान शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति दी। सभा संचालन कर रहे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने सपा कार्यकर्ताओं से विशिष्ट अतिथियों को फूल माला व शाल ओढ़कर सम्मानित किया गया। प्रबुद्ध सभा में मौजूद पत्रकार, शिक्षक, बच्चे व क्षेत्र से आए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को पदों ने चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने भाव प्रकट करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सभा के संचालन कर रहे राजेंद्र उपाध्याय ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हर समय हर वर्ग के समाज का सम्मान किया है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री व रायबरेली उंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने कहा कि भगवान राम के नाम पर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव देने का काम किया है। वहीं पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और उन्होंने जिस तरह से सुसाइड किया है और सुसाइड नोट जो छोड़ा है उसमें तहसील प्रशासन में गंभीर आरोप लगा है। स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ पूरे देश का कानून इस बात को मानता है कि कोई मरते समय झूठ नहीं बोलेगा, और उन्होंने जो सुसाइड लेटर लिखा है वो अपने आप में इस बात का पर्याप्त सबूत है कि किस तरह से बदायूं, और ये बदायूं ही नहीं पूरे प्रदेश का प्रशासन लोगों का शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। उस सुसाइड लेटर में आपने देखा है उसमें पैसे का भी जिक्र आया है, अपमान का भी जिक्र आया है। तो इस तरह से प्रशासन लोग आतंक कर रहे हैं और इस घटना की जितनी निंदा करो उतनी कम है। और मैं समझता हूँ उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं उस परिवार के साथ बहुत ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी क्या मांग कर रही है? समाजवादी पार्टी की मांग है जो परिवार ने तहरीर दी है वो उसकी FIR होनी चाहिए, और FIR में जो लोग विशेषकर जो सुसाइड लेटर में उन्होंने लिखा है उसके आधार पर बाई नेम्ड FIR होके उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और उसके बाद हो जाएगी जाँच। मंत्री जी, जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार जो है बिल्कुल बैकवर्ड पर नहीं आना चाह रही, किसानों के और सरकार के बीच कोई बात बनती नहीं है, इसको क्या कहते हैं? ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि आज देश की सरकार जो केंद्र में इसी जनादेश से चुन करके गई है, आज वो अपने केवल हठ धर्मता के कारण देश के करोड़ों किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। जब कृषि का कानून बना ठीक उसी समय किसान नेताओं ने और किसानों ने इसका विरोध किया था। आज एक बड़ा सवाल है कि सरकार कहती है हम किसानों के हित में हमने कानून बनाए हैं, जब देश का 90% किसान ही उसको उसके खिलाफ खड़ा हुआ है तो सरकार किस चीज़ का सम्मान बनाए हुए है? आज किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसे वापस करना चाहिए, लेकिन हमें दुख है कि आज देश में जो सरकार बनी है ये किसान विरोधी सरकार है। जिस सरकार ने कहा हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, आज उत्तर प्रदेश के गलियारों में, उत्तर प्रदेश के चौकटों में, उत्तर प्रदेश के मंडी परिषदों में आज किसान 900 रुपए से लेकर के 1100 तक में धान बेचने को मजबूर है। पूरे देश ने देखा 1400 रुपए में किसान का गेहूं बिका, तभी MSP लागू था। अगर आज उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, देश के किसानों को उत्पादन का मूल्य नहीं मिला, अगर आप तुलना करें तो 2012-17 में, कुल उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, कि उत्तर प्रदेश की कृषि दर 3.7% थी, आज वही कृषि दर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2.9 बची है। ये अपने आप में इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश का किसान कमजोर हो रहा है। मंत्री जी, जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है और आप लगातार जो है प्रदेश भर में प्रबुद्ध समारोह कर रहे हैं, कितने जिलों में प्रबुद्ध समारोह है? देखिए, लगभग 47 जिलों में हुआ, और मैंने तो कहा इस समाज को इसलिए भी पहचानते थे लोग कि ये देश में सही के साथ खड़ा होता था और गलत का विरोध करता था। हम तो अपने परिवार के लोगों को केवल जगाने का काम कर रहे हैं कि आज देश में सर्व समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं,
और खास कर अगर हम देखें 20 साल के आंकड़े, तो 20 साल के आंकड़ों में हम देखें तो इस 3 महीने में जितना इस समाज के लोगों की हत्याएं हुई, जितना उनके साथ अन्याय हुआ, मैं नहीं समझता हूँ किसी सरकार में इतना अन्याय हुआ हो। और हमें लगता है कि इस समाज ने महसूस किया है कि अकेले समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता हैं जो इस समाज को सम्मान दे सकते हैं, उसे साथ लेकर के चलने का काम कर सकते हैं।